हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। हालांकि ये मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में इसकी करवा चुकी हूँ। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस कि हमारे इंडिया में जो सिस्टम है इलेक्शंस का वो क्या है, किस तरीके से होते हैं। इसमें मैंने दो वो बताए थे, टू टाइप्स से यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, और एक बताया था मैंने जनरल इलेक्शंस और दूसरा बताया था मैंने आपका बाय इलेक्शंस। जनरल इलेक्शंस का मतलब क्या होता है बेटा, व्हेन इलेक्शंस आर कंडक्टेड या व्हेन इलेक्शंस आर कंडक्ट इन द होल कंट्री इन द ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मीन्स पूरे कंट्री में जब एक साथ इलेक्शंस होते हैं तो उन इलेक्शंस को बोला जाता है जनरल इलेक्शंस, ठीक है। हालांकि जो वो इलेक्शंस होते हैं वो कई फेजेस में हो जाते हैं कि भाई जैसे टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हरियाणा इंडिया में, ठीक है, पूरे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। उसमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक भाई 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर एक साथ हो गया, फिर 100 पर दोबारा हो गया, 100 पर थर्ड टाइम हो गया, बट तीनों ही जितनी बार भी इलेक्शंस होगा सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शंस की काउंटिंग एक सेम डेट पर होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जनरल इलेक्शन जब सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर एक साथ इलेक्शंस होते हैं, बाई इलेक्शंस क्या होते हैं, जब कोई एक सीट पर जब कोई एक सीट है और वो सीट पर रिजाइन होने के बाद में या किसी भी वजह से जो खाली हो जाए, वैकेंट हो जाए, उसके बाद में जिस सीट पर इलेक्शंस होते हैं उसको बोलते हैं बाई इलेक्शंस। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है, जैसे देखो, जैसे पर्टिकुलर यहां हम देखते हैं, जैसे ये जो आपके ये मैप दिख रहा है बेटा, इस मैप में देखो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे रखे हैं। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है, 543 है, जनरल है 412 है, ठीक है, रिजर्व है वो 84 है, और रिजर्व ये एससी के लिए और ये एसटी के लिए। एसटी और एससी क्या होते हैं, एससी शेड्यूल कास्ट और एसटी शेड्यूल ट्राइब्स। ट्राइब्स क्या होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो ये जो ग्रीन ग्रीन जगह है ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, ये इतनी सारी जगह है, ठीक है। और ये एनटीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि एसटी एसटी और एससी के लिए लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं और क्यों रिजर्व्ड है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर हम देखते हैं तो पर्टिकुलर कोई एक एरिया, ठीक है, एरिया को डिवाइड कर रखा है, पूरे इंडिया को एरिया में डिवाइड कर रखा है, और ये एरियाज किसके बेस पर है, पर्टिकुलर सॉरी दीज एरियाज दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन एंड अप टू 2026 तक दीज सीट्स आर रिमेन्स एज वेल एज, जो है वो एज इट इज रिमेन्स रहेंगी, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। अब हम चलते हैं, एमपीज हो गया, एमएलएज हो गया, भाई एमपीज एमएलए हमारे देश, जैसे इसमें बता रखा है कि भाई उसके लिए लोकसभा के लिए कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पूरे इंडिया को बांट रखा है, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स ही उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी लीडर को इलेक्ट कर सकते हैं, बाहर से कोई मेंबर्स आके इलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में एमएलएज हैं, एमएलएज क्या है, सिमिलरली सेम जैसे हमारे सेंट्रल लेवल में पूरे देश के लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो मैंने आपको बताया था, लोकसभा इलेक्शंस होते हैं या उनसे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर स्टेट लेवल पर अगर हम देखते हैं तो विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो असेंबलीज है ना, असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं, और इसी तरह से हर एक स्टेट को भी फिर से असेंबलीज में डिवाइड कर रखा है या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो जो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को के जो मेंबर्स होते हैं स्टेट के, उनको बोला जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। हाँ, तो जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है हरियाणा में 60 सीटें हैं, ठीक है, हर एक, अच्छा इसमें आपको ये भी बताना है कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं और कौन से में सबसे कम है, कम से कम इतना तो हमें पता होना चाहिए। तो अब ये अगर मोटे तौर पर अगर हम देखते हैं तो अगर ज़्यादा याद भी ना करें तो इसको आप इस तरीके से याद कर लेते हो, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि पॉपुलेशन के बेस पर, तो ये देख लो कि भाई पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है, यूपी में, तो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी किस में होंगी, चाहे सेंट्रल लेवल पर हो चाहे स्टेट लेवल पर हो, सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी यूपी में ही होंगी, और सबसे कम तो आपके बहुत सारे आपके ये हैं
छोटे जो स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं इनमें दिल्ली और पौंडीचेरी को छोड़ दिया जाए तो इनमें एक एक सीट सी है। ठीक है, अब आती है बेटा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अच्छा, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है? अब ये देखो, मीन्स दी कॉन्स्टिट्यूएंसी विच आर रिजर्व फॉर द स्पेशल कैटेगरीज, स्पेशल कास्ट, स्पेशल पीपल्स, मीन्स वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मैंने ये बताई थी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, इन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, देखो इसमें भी ये मैप में दे रखा है, इन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 84 और 47 ये दो, ये इतनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं दीज आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी। तो जो सीट्स को, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर रखा है स्पेशल कास्ट के लिए, स्पेशल कैटेगरी के लिए, उनको क्या बोला जाता है बेटा? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, अब वो आरक्षित या रिजर्व क्यों कर दिया गया है? क्या जब हमारा पार्लियामेंट, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, क्या उस टाइम हमारे लीडर्स को नहीं पता था कि इस तरह से अगर हम रिजर्व करेंगे स्पेशल कुछ लोगों के लिए, स्पेशल कास्ट के लिए, तो वो आगे चल के आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? नहीं, उनको इस चीज़ का पता था कि अगर रिजर्व नहीं किया तो इन जो हमारा लोअर सेक्शन है ना सोसाइटी का, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया बेटा, सीट्स को रिजर्व कर दिया ताकि हर ईच एंड एवरी पीपल इंक्लूड इन डिसीजन मेकिंग, नो वन फील दैट वी आर इग्नोर्ड, दैट वी आर नॉट इंक्लूडिंग इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सभी को उसमें इंक्लूड करने के लिए यहाँ पर ही रिजर्व की गई है, ध्यान रखना। ठीक है, इसी इसमें बस यही पॉइंट याद करने का है कि इसमें कितने परसेंट एससी और एसटी के लिए कितना है, यहाँ पर 84 और 47 ये मैंने मैप में भी दिखा दिया है। फिर उसके बाद में जो आपका पंचायत राज सिस्टम है, म्यूनसिपलिटीज़, जो शहरी वाले शहरी एरियाज में जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं उसमें, और फिर उसके बाद में कॉरपोरेशन है जो बड़े शहरों में है। ठीक है, तो ऐसे एरियाज में जहाँ पर ये हैं, मीन्स म्यूनसिपलिटीज होते हैं बेटा छोटे शहरों में, कॉरपोरेशन होता है ये बड़े शहरों में, अर्बन एरियाज में भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं ना उनमें उनमें जैसे ये म्यूनसिपलिटीज होते हैं और पंचायत होती है आपके गांव वाले एरियाज में। तो यहाँ पर इन सभी में 33% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन टू इंक्लूड इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसी तरह से मतलब यहाँ पर सभी को इक्वलिटी के राइट्स देने के लिए, तो ये आपकी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है बेटा वाटर लिस्ट। अब वाटर लिस्ट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो वाटर लिस्ट के बारे में, वाटर लिस्ट की डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। देखो यहाँ से ये वाटर लिस्ट है ना, यहाँ पर हम ये देख लेते हैं दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जब एक बार किसी एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी बता दे भाई ये डिसाइड है भाई, जैसे मान लो जैसे ये मैप है, इस मैप में ये देखो ये अनरिजर्व है ना किसी भी तरह से, तो मान लो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये एक सारा जो एरिया है ना जो ये इतना इतना ये सारा एक एरिया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद में पहला स्टेप तो क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री बनाना। बाउंड्री मीन्स पॉपुलेशन के बेस पर, ये बाउंड्री किसके बेस पर बना? देखो आप इसी में देख रहे होंगे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी है। देखो जैसे यूपी में छोटे 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 भीड़ बहुत भारी है, यूपी बिहार देखो एक बार, मतलब यूँ मतलब ये समझो कि ताश के पत्तों की तरह से यूँ लोग जन्म लेते हैं वहाँ पर। ठीक है, मीन्स वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बहुत ज़्यादा छोटी छोटी होगी क्योंकि पॉपुलेशन के बेस पर बटी हुई है। ठीक है, तो एक जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पहला तो बाउंड्री डिसाइड कर देना। दूसरा, बाउंड्री डिसाइड करने के बाद में देखो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी आज एक बार उसका वो डिसाइड कर दिया, नेक्स्ट स्टेप टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट। अब दूसरा स्टेप ये होगा कि कौन वोट डाल सकता है कौन वोट नहीं डाल सकता, दिस डिसीजन ये कैन नॉट बी। अब यहाँ पर ऐसा है कि जिस भी कैंडिडेट का, जैसे जो यहाँ पर है उस जिस कैंडिडेट का वोटर लिस्ट के अंदर नाम होगा सिर्फ वो ही कैंडिडेट वोट डाल सकता है, अदरवाइज और कोई वोट नहीं डाल सकता। अब इसके अंदर एक दो पॉइंट्स हैं इन दी डेमोक्रेटिक इलेक्शन। देखो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल इन वॉट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द, ये वर्ड जरूर याद कर लेना, बिफोर हर 5 साल के बाद में, बिफोर द इलेक्शंस इलेक्शन से पहले, गिवन टू एवरीवन हर 5 साल के बाद में होते हैं ये बेटा। ठीक है, ये इलेक्शंस एलिजिबल कैंडिडेट्स की ये लिस्ट तैयार की जाती है एंड दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड इलेक्टोरल रोल
ऑफिशियली इसका नाम क्या है, इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज वॉटर लिस्ट। ये ध्यान रखना, वॉटर लिस्ट और इलेक्टोरल रोल दोनों ही एक दूसरे के, दोनों ही मतलब सेम है, ठीक है। अच्छा, इस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मींस हमारे इंडिया में जो राइट या वॉटर लिस्ट है या राइट टू वॉट है, वॉटर लिस्ट है वो किसके बेस पर तैयार की जाती है, दी पर्सन हु इज अबव 18 18 साल से ऊपर का जो भी है उसी को राइट टू वोट दे दिया जाता है। और हमारे इंडिया में जो 18 साल से ऊपर, हाँ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है हमारे इंडिया में, ठीक है। अब यहाँ पर 5 साल बाद में जब इसको तैयार किया जाता है, क्योंकि हमारे इलेक्शन से पहले किया जाता है, चाहे इलेक्शन कभी भी, अब इलेक्शन से पहले किया जाता है, इसका मतलब हमारे इलेक्शन हमारे इंडिया में 5 साल बाद में होते हैं, इसलिए 5 साल बाद में रिन्यू किया जाता है। जो जो मर जाते हैं उनकी, उन कैंडिडेट्स का नाम उसमें से हटा दिया जाता है, और जो नए ऐड हो जाते हैं उनका उस लिस्ट के अंदर नाम ऐड कर दिया जाता है। तो ये है आपकी वॉटर लिस्ट। अब उसके बाद में देखो बेटा, ये जो एक पॉइंट था ना बेटा, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, रिजर्व वाले में मैं एक पॉइंट बताना भूल गई आपको, हरियाणा में, हरियाणा असेंबलीज उसमें ये जो दो सीटें हैं अंबाला और सिरसा, ठीक है, दोनों सीटें ही एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, ध्यान रखना ये, इन लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है बेटा, लोकसभा इलेक्शंस में हरियाणा। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए हरियाणा में लोकसभा की सीट्स कितनी है, 10 सीटें हैं भाई साहब, ठीक है, हरियाणा में लोकसभा की सीटें 10 हैं, और उस 10 में से 2 सीटें रिजर्व हैं अंबाला और सिरसा, दोनों ही किसके लिए हैं बेटा, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद में स्टेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अगर ये लिस्ट याद हो जाए तो दी बेस्ट है, हर एक स्टेट में कितनी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, अगर ये याद नहीं हो तो सिर्फ ये याद कर लेना कि सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में, ठीक है, और सबसे कम कौन से स्टेट में, एटलीस्ट हरियाणा का तो याद कर ही लेना। यहाँ पर देखो बेटा, वही चीज़ें जो मैं बता रही थी कि दिस भाई रिन्यू करना होता है ये वोटर लिस्ट, ये हर 5 साल बाद में, तो देखो ये लिख रखा है इसमें, ए कंप्लीट रिवीजन ऑफ दिस लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 ईयर्स, हर एक 5 साल के बाद में, दिस इज डन टू एंश्योर दैट रिमेन्स अप टू डेट, मीन्स अपडेट कर लेना लास्ट 5 साल में जो हटे हैं, पहले जो हट गए उनको उसके अंदर ऐड, उनका नाम हटा देते हैं और कुछ आए हैं उनको ऐड कर देते हैं। बट अभी रिसेंटली एक और नया नाम इसके अंदर जुड़ा है कि वोटर लिस्ट के अंदर ये आइडेंटिफिकेशन देते हैं बेटा इलेक्शन कमीशन, ठीक है, और इन द फ्यू ईयर्स ए न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC, वन वर्ड के लिए भी याद कर लेना, हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, ये इंट्रोड्यूस करवाया है, और इसका कंपलसेशन ये है कि जब आप वोट डालने के लिए जाओ तो आप ये कुछ ना ये आई कार्ड है ये जरूर लेके जाएं, इसी के बेस पर आपको वोट डालने दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं है, इसके अलावा वोट नहीं डालने दिया जाता, अगर आप अपना आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी, कोई भी इस तरह की आइडेंटिटी अगर लेके जाते हैं तो आपका वहाँ पर आपको वोट डालने की परमिशन मिल जाती है, ठीक है। फिर नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, अब नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट क्या होता है, देखो इसमें पहले तो नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स में यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ सिर्फ जो एनी वन, देखो यहाँ से देखिए, एनी वन हु कैन बी ए वॉटर कैन ऑल्सो बी कम टू ए कैंडिडेट इन द इलेक्शंस, यहाँ जो एक वॉटर होता है वो भी यहाँ पर वोट डाल इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है। बट यहाँ पर याद करें, देखो बेटा, दी ओनली डिफरेंस इज दैट भाई, वोट डालने की एज, ध्यान रखना, वोट डालने की एज ऑफ वोटिंग कितनी है बेटा, कितनी है, 18 साल, 18 ईयर्स। बट दी ओनली डिफरेंस इज दैट, यहाँ पर वोटर और कंटेस्टिंग इलेक्शन में क्या डिफरेंस है, बस चुनाव लड़ने में और वोटर में क्या डिफरेंस है, क्या है बेटा, वोटर की तो एज केवल 18 साल होनी चाहिए। डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी ए कैंडिडेट दैट मिनिमम एज इज 25, ध्यान रखना, या एक चुनाव लड़ने के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए, जबकि एक वोटर बनने के लिए आपको हमारे इंडिया में केवल 18 साल की उम्र होनी चाहिए। उसके बाद में फिर भाई कोई क्राइम वगैरह नहीं कर रखा हो, देर आर सम अदर रेस्ट्रिक्शंस ऑन दी क्रिमिनल्स, जैसे कोई क्रिमिनल्स वगैरह हो तो उनको भी मतलब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया करवाते, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर है, यहाँ नॉमिनेशन के लिए या तो वी गेट टू पार्टी सिंबल टू स्पॉट, मींस नॉमिनेशन के लिए भाई किसी ना किसी पार्टी को, पॉलिटिकल जो पार्टीज है ना, उन वो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सीट देती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में जैसे BJP है,
कांग्रेस है, तो इनके कैंडिडेट्स ना अपने अपनी पार्टी का सिंबल और सपोर्ट लेके खड़े हो जाते हैं, सहारा लेके कि भाई हम उस पार्टी के नाम से इलेक्शंस लड़ रहे हैं। होता है ना ऐसे हमारे हरियाणा इंडिया में भी, हमारे यहाँ पर भी, ठीक है। पार्टीज नॉमिनेशन इज कॉल्ड पार्टीज नॉमिनेशन, पार्टी का नॉमिनेशन मीन्स पार्टी का नाम ही, पार्टी के नाम से जो हमें टिकट मिल जाती है, ठीक है, उसी को ऑफन कॉल द पार्टी टिकट, उसी चीज को ही हम क्या कहते हैं पार्टी टिकट, की हमें तो भाई पार्टी की टिकट मिल गई, ठीक है। एवरी पर्सन विश टू कंटेस्ट इलेक्शन, हर एक आदमी जो वोट कंटेस्ट करना चाहेगा, जो चुनाव लड़ना चाहेगा, वो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और उस नॉमिनेशन फॉर्म में एंड गिव सम मनी एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। एक तो नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए कुछ अमाउंट भी वहां पर डिपॉजिट करवाना पड़ता है फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। बट अभी हमारे यहाँ पर कुछ और भी रिसेंटली नॉमिनेशन फॉर्म भरने के साथ साथ में कुछ और भी नई चीजें यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है, और वो क्या हुई है बेटा, ये सब सारी चीजें भी इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ेंगी। और वो क्या इन्फॉर्मेशन है, लीगल डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है आपको कानूनी रूप से, भी सीरियस कोई क्राइम आपका नहीं कर रखा हो, जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाह रहा है उसके अगेंस्ट में कोई क्राइम ना हो, क्राइम नहीं कर रखा हो उसने, डिटेल असेट्स जितने भी उसके घर में असेट्स लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट ऑफ हिज फैमिली, वो उसके घर में जो भी पैसे वैसे प्रॉपर्टी है उसका भी उसको सारा डिटेल देना पड़ता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी, बट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, 10th 12th पास अभी कर दिया कि भी 10th पास होना चाहिए, ठीक है। अभी आप देखिए कि सरपंच के लिए कितनी क्वालिफिकेशन होती है, एक एमएलए के लिए कितनी क्वालिफिकेशन होती है, ये आप खुद एक बार ट्राई करें, खुद देखें, फिर उसके बाद में मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। अब उसके बाद में बेटा नेक्स्ट आता है इलेक्शन कंपेन, इलेक्शन कंपेन, इलेक्शन कंपेन से पहले बेटा यहाँ पर ये एक मैच द फॉलोइंग्स है, इसको जरूर याद कर लेना इसमें कि क्या है। एक तरफ तो है बेटा आपके ये मैच द फॉलोइंग्स, एक तरफ तो है प्रिंसिपल्स और एक तरफ फीचर्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम। हमारे यहाँ पर सिस्टम्स क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये आप 18 साल से अभी बताया मैंने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व कर दी गई है एससी एसटी के लिए, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, एनी वन कंटेस्ट इलेक्शन, भाई ओपन पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है, ओपन कोई भी आए और चुनाव लड़ सकता है, वन वोट वन वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर, सेम पॉपुलेशन के बेस पर है या इक्वल वैल्यूज है हमारे यहाँ पर सभी के, इलेक्शन कंपेन। अब उसके बाद में आता है बेटा इलेक्शन कंपेन। अब इलेक्शन कंपेन क्या है, इलेक्शन कंपेन का मतलब क्या है बेटा, चुनाव अभियान, चुनाव के लिए प्रचार करना, और इसके बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे से कुछ ना कुछ ज़्यादा ही पता होगा। आप सभी बच्चे देखते हैं जैसे इलेक्शंस नज़दीक आते हैं तो सभी क्या करते हैं बेटा, सभी उसमें लग जाते हैं, सभी पार्टियां रैलीज करती हैं, प्रोमिसज करती हैं, रैलियां होती हैं, रैलियों में प्रोमिसज किए जाते हैं कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ और मेरी पार्टी जीत जाती है तो मैं यहाँ पर सभी बेरोजगारों को नौकरी दिलवा दूंगा, वृद्ध जो बुजुर्ग हैं उन सभी की पेंशन डबल करवा दूंगा, ये हो जाएगी वो हो जाएगी, तो इस चीज़ को बोलते हैं इलेक्शन कंपेन। और इस कंपेन के लिए, कंपेनिंग के लिए इन अवर कंट्री, ये लाइन याद करने की है, इन अवर कंट्री सच कंपेन्स टेक प्लेस बिफोर 2 वीक पीरियड। कितना टाइम है बेटा, 2 वीक पीरियड का, 2 सप्ताह का टाइम मिलता है हमें, बिटवीन कब से कब तक, बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, जिस दिन कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट अनाउंस हो जाती है इतने कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाले हैं उस दिन से, एंड द डेट ऑफ पोलिंग जिस दिन वोट डलते हैं। जैसे मान लो 11 तारीख को वोट डलने हैं, आज 11 तारीख तक, ठीक है, और उससे पहले जिस दिन फाइनल लिस्ट आती है कैंडिडेट्स की, केवल 2 ही वीक का टाइम मिलता है, बट हमारे यहाँ पर तो 2-2 महीने पहले ही इलेक्शंस की कंपेनिंग स्टार्ट हो जाती है, होती है ना बेटा, बट लीगल रूप से इतना ही होता है, ध्यान रखना इसका, इस चीज़ का, ठीक है। बट इलेक्शन कंपेन इज नॉट लिमिटेड, बट हमारे इंडिया में मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई भी 2 वीक का टाइम पीरियड सभी के लिए फिक्स है, ठीक है। और फिर उसके बाद में, हाँ, ये कुछ हमारे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो स्लोगन्स हैं हमारे इंडिया में, लेट अस लुक, अच्छा कुछ स्लोगन्स दे दिए जाते हैं, सक्सेसफुल स्लोगन्स गिवन बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ये क्वेश्चन भी आता है सीबीएसई में, तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि राइट द इम्पॉर्टेंट स्लोगन्स ऑफ द डिफरेंट पार्टीज गिविंग ड्यूरिंग द इलेक्शंस, ठीक है। तो इसमें है, एक तो है ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया था, गांधी, इंदिरा गांधी उसके उसके हेड लीडर थी, गरीबी हटाओ, ठीक है, और ये लोकसभा इलेक्शंस थे 1971 के,
ठीक है, उसमें दिया था गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1971 में लोकसभा इलेक्शंस में, ठीक है। फिर उसके बाद में सेव डेमोक्रेसी था, सेव डेमोक्रेसी स्लोगन किसने दिया था, जनता पार्टी ने दिया था लोकसभा इलेक्शंस 1977 में। इलेक्शन देखते हैं पहले कौन सा, कौन से लेवल का था, सेंटर लेवल का था या कहाँ का था। फिर सेव डेमोक्रेसी हो गया, फिर उसके बाद में लैंड टू द टिलर किसका था, लेफ्ट फ्रंट का था, और कौन से स्टेट में था ये, वेस्ट बंगाल में। असेंबली इलेक्शंस थे 1977 में, ठीक है। प्रोटेक्ट टू द सेल्फ रिस्पेक्ट टू द तेलुगु, और ये तेलुगु देशम पार्टी थी, तेलुगु देशम पार्टी थी आंध्र प्रदेश में, और असेंबली इलेक्शंस थे 1983। ये इस तरह से हमारे इंडिया में कुछ इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट स्लोगन्स दिए गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आता है बेटा हमारे इंडिया में, बेटा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए कैंडिडेट को हमारा इलेक्शन कमीशन है वो कुछ गाइडलाइंस क्रिएट करता है कि भाई इसके बाहर आप नहीं जा सकते, ठीक है। क्या क्या हम नहीं कर सकते, देखो यहाँ क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू अवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, कोई भी ना तो पार्टी या कैंडिडेट ऐसा करेगा, ये नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, ये नहीं कर सकते हम सब, क्या ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, मतलब आप किसी को भी मतलब जैसे कुछ पैसे दे दे कि भाई मैं आपको 2,000 रुपये देता हूँ और आप मुझे वोट देना, ठीक है, या बीजेपी पार्टी को वोट देना या उसको वोट देना, इस तरह से डरा धमका के किसी को भी हम वोट नहीं ले सकते हैं पैसे वैसे दे के। अपील किसी को भी धर्म के नाम पर या कास्ट के नाम पर किसी को नहीं कह सकते, ओए मैं भी जाट हूँ और आप भी जाट हो तो एक काम करना मुझे वोट देना, इस तरह से किसी को भी हम डरा के वोट नहीं ले सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट व्हीकल्स का इलेक्शन कंपेनिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में है लोकसभा इलेक्शंस में 25 लाख से ज़्यादा और असेंबली इलेक्शंस में आप 10 लाख से ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से आगे बेटा ये कोड ऑफ कंडक्ट मैं आपको चलो इसी में करवा देती हूँ, पहले देखो एक बार, ये तो हम ये नहीं कर सकते हैं कोई भी कैंडिडेट। उसके बाद में बेटा कुछ इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट कर देता है और कुछ टाइम पीरियड के बाद में, कुछ टाइम पीरियड तक मतलब इलेक्शन, जैसे इलेक्शन की पोलिंग डेट जो जब अनाउंस हो जाती है उसके बाद में वो कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट कर देते हैं। और कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है, आचार संहिता जिसको बोलते हैं, मींस आचार संहिता, जैसे इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई उसके बाद में पार्टी और पार्टी कैंडिडेट इस तरह का कोई भी नया अनाउंसमेंट है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा वो क्या नहीं कर सकते हैं, देखो किसी भी वर्सी प्लेस का इलेक्शन प्रचार के लिए उसका यूज नहीं कर सकते हैं, किसी भी उसका मतलब वर्सी प्लेस का उसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा गवर्नमेंट व्हीकल्स का यूज नहीं कर सकते हैं इलेक्शन कंपेनिंग के लिए, ठीक है। अगर एक बार, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस अगर अनाउंस हो जाते हैं मिनिस्टर्स हैं वो किसी भी चीज़ की फाउंड स्टोन नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना, फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। भाई ऐसे नहीं कह सकते हैं कि अच्छा भाई 10 दिसंबर, अच्छा मान लो अभी कि भाई 1 जुलाई से इलेक्शंस हैं, ठीक है, वो 1 जुलाई से इलेक्शंस हैं बट हम अभी क्या करते हैं कि भाई आज ही महेंद्रगढ़ में एक नई यूनिवर्सिटी आज से शुरू हो गया, उसका कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। मींस किसी भी चीज़ का फाउंडेशन स्टोन नहीं रख सकते हैं, पत्थर शिलान्यास जिसको बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। हाँ प्रोमिसज जरूर कर सकते हैं कि अगर मैं जीत गया तो मैं ऐसा करूँगा, तो फिर जीतने के बाद में यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाऊँगा, ध्यान रहे। इस तरह की कोई भी वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं, वो इस तरह की वो किसी चीज़ का सिर्फ प्रोमिसज कर सकते हैं बट किसी भी चीज़ का फाउंडेशन स्टोन फाउंडेशन वहाँ की नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, इस चैप्टर को पढ़ो ध्यान से बेटा, वीडियो को 2 बार सुनो, अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप दोबारा से सुनो, और इस चैप्टर को जितना बार बार समझोगे और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करोगे चैप्टर उतना ही ज़्यादा समझ आएगा। अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हुए आप ये चैप्टर पढ़ेंगे और भी ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है बेटा। ओके थैंक्स, हैव ए नाइस डे।